हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और आज हम नाउन पढ़ने वाले हैं। ये नाउन है हर क्लासेस के लिए, थर्ड से एट क्लास के बच्चों के लिए। आज हम नाउन पढ़ने वाले कि नाउन क्या होते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि नाउन क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। कि भाई कई कई बार कहते हैं ना कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, ऐसे। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नाउन के कितने टाइप्स। सबसे पहले जानेंगे कि नाउन क्या होता है। यहाँ देखिए, नाउन रेफर्स टू अ नेम ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। तो जो नाउन है इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, सबसे पहले जानेंगे क्या नाउन को हिंदी में कहा जाता है, संज्ञा। ठीक है, नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। और ये क्या रेफर करता है, हमें क्या दर्शाता है, तो बताइए। नाउन जो है वो किसी पशु का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी थिंग, किसी फीलिंग, कोई भी फीलिंग हो सकता है, कोई भी आइडिया। अब ये नहीं कि हमारी जो फीलिंग होती है, हमारे जो आइडियाज होता है, थॉट्स होते हैं, वो नाउन के अंदर नहीं आते। हमारे जो आइडियाज, विचार होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो भी संज्ञा के अंदर आती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए संज्ञा का मतलब है किसी भी चीज का नाम, पशुओं का नाम। संज्ञा का मतलब पशु का नाम, पर्सन व्यक्ति का नाम, प्लेस मतलब जगह स्थान का नाम, थिंग मतलब वस्तु, फीलिंग हमारी कोई भी फीलिंग होती है, आइडिया मीन्स विचार। तो जो संज्ञा है वो क्या बताती है, किसी भी चीज का। हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, संज्ञा वह होती है, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराती है। तो वही बात हो गई कि संज्ञा क्या होता है, जो किसी पशु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम उनको दर्शाती है, उन्हें हम कहते हैं संज्ञा। ठीक है, अब ये बात भी ध्यान रखो कि जो आइडियाज होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो भी किसके अंदर आती हैं, नाउन के अंदर, वो भी नाउन के अंदर आती है। ठीक है, दे कैन बी रेफर्ड एज नेमिंग वर्ड्स। अब भाई हम इनका नामकरण कर रहे हैं, इस कारण इन्हें हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड। ठीक है, क्या होता है संज्ञा, जो किसी नाम, किसी का नाम बताती है, किसी पशु का नाम बताती है, व्यक्ति का नाम, इनका हम बोध कराती है। क्या कराती है, बोध कराती है, जगह, वस्तु, फीलिंग, आइडिया, विचार, इन सब का बोध कराती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। दे कैन बी रेफर्ड और दे कैन ऑल्सो रेफर्ड बी एज नेमिंग वर्ड्स। इनका हम नामकरण कर रहे हैं तो ये क्या कहलाए, नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पर्सन के अंदर, अब हम कह देंगे कि भाई पर्सन का बोध कराती है, तो ये भी देखना पड़ेगा पर्सन में क्या क्या चीज़ है जो संज्ञा होती है। तो किसी का नाम, जैसे शिवांगी, जैसे यशविनी, जैसे कनिष्का, जैसे सारिका, जैसे सुरेश, ये जो नाम हुए, क्या हुए, ये एक नाउन है। तो ये क्या पर्सन के अंदर क्या आया, नेम। ये टाइटल में भी, जैसे कि चिकित्सक, चिकित्सक ने उस पेशेंट की क्या की, इलाज किया, तो अब ये जो चिकित्सक हुआ, ये एक संज्ञा आया। ठीक है, तो इसे हम जो डॉक्टर है, टीचर है, ये भी क्या हुए, संज्ञा हुए। अब आए जेंडर की बात, जेंडर में मेल और फीमेल, इन्हें भी हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फिर आई नीचे किसकी बात, एज की बात, जिसे हम यूथ, सीनियर, टीन मीन्स टीनेजर्स, जो टीनेजर्स होते हैं। ठीक है, तो यूथ, सीनियर, तो यूथ क्या होते हैं, इन्हें हम कहते हैं हिंदी में युवा, युवा। ठीक है, तो ये सब क्या है, हम पर्सन में इनको हम नाउन के कैटेगरी में लेते हैं। किसकी कैटेगरी में लेते हैं, नाउन की कैटेगरी में, जिसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है, इन्हें हम नाउन की कैटेगरी में लेते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो एक बार और पढ़ लेते हैं भाई क्या लिखा है, जितना पढ़ेंगे उतना जल्दी हमें याद होता रहेगा। Noun refers to a name of animal, person, place, thing, feeling or idea. जो noun है वो किस चीज को refer करता है, name of animal, it is referred to the name of animal, किसी का, पशु का नाम, व्यक्ति का नाम, place, जगह का नाम, thing, वस्तु का नाम, feeling, हमारी जो अंदर की feelings होती हैं, hatred, love, rage, एंगर एंड आइडिया, थॉट। ठीक है, इन्हें रेफर करते हैं, उन्हें कहते हैं हम संज्ञा। संज्ञा वह शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराते हैं। ठीक है,
आगे देखो, दे कैन बी रेफर्ड एज नेमिंग वर्ड्स। इन्हें अब हम इन सब का नामकरण कर रहे हैं। तीन बार बताया हमने इन सब का क्या किया, नामकरण किया, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, नेमिंग वर्ड्स। अब हम क्या देखते हैं, पर्सन के अंदर क्या क्या संज्ञा होती है, ठीक है। व्यक्ति के अंदर आते ना, तो हम नेम में संज्ञा लेते हैं, जैसे यशविनी, कनिष्का, शिवांगी, सारिका, सुरेश, ये जो भी नाम हुए हैं, भावना, ये क्या हुए, इन्हें हम नाम के अंदर लेंगे, मतलब ये एक संज्ञा है। नाम को हम संज्ञा में कहते हैं। टाइटल, टाइटल मीन्स डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये सारे भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। नेक्स्ट है जेंडर, जेंडर में मेल और फीमेल, ठीक है, इन्हें भी हम क्या कहते हैं, नाउन में ही लेते हैं। और नीचे आता है एज, एज में जैसे यूथ, सीनियर, टीन, टीन में मीन्स क्या है, ये टीनेजर्स, ठीक है, टीनेजर्स, यूथ, सीनियर, यूथ को हम कहते हैं युवा, तो ये सब क्या हुए, नाउन में ही आते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे प्लेस और थिंग्स के अंदर क्या क्या नाउन में आता है या फिर एनिमल्स के अंदर। हम देखेंगे थिंग्स में, ओके, थिंग्स में नाउन क्या क्या होते हैं, कंफ्यूज ना हो इसलिए रखा है, एनिमेट, एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। एनिमेट वही होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही कहते हैं, ठीक है। सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बाद वो जो होते हैं उन्हें हम नाउन की कैटेगरी में, संज्ञा की कैटेगरी में लेते हैं, और एनिमल्स को, प्लांट्स को भी लेते हैं। जो हमारे आइडियाज होते हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हमारी फीलिंग होती है अंदर की, लव होता है, हेटर्ड होता है, एंगर होता है, ये सभी संज्ञा के अंदर ही आता है, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं प्लेस के अंदर, प्लेस के अंदर नेम में क्या, लंदन, पेरिस, उत्तराखंड, जापान, ये सारे क्या हुए, प्लेस के अंदर नेम, प्लेस के अंदर आते हैं और इन्हें हम नाउन ही कहते हैं। फिर लोकेशन में आते हैं, लोकेशन में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सारी लोकेशंस होती हैं। देन आता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट में हेवन, हेल, क्या आपने कभी हेवन देखा है, स्वर्ग देखा है, नहीं ना, पर क्या ये हमारे थिंग्स के अंदर आता है। चिल्ड्रंस क्या होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि उनका हेवन क्या होता है, उनका स्वर्ग क्या होता है, हमारे पास एक ट्री हो जिस पर चॉकलेट्स लगी हो, ये उनका स्वर्ग होता है। तो ये हमारे अंदर की फीलिंग्स होती है, थॉट्स होते हैं कि हम अपने अंदर बनाने लगते हैं कि हमारा स्वर्ग कैसा हो सकता है। हाँ, समझे ना आप, कि हमारा स्वर्ग कैसा होगा, हमारे स्वर्ग में ये होना चाहिए, हमारे स्वर्ग में वो होना चाहिए, हमारे स्वर्ग में ट्री होना चाहिए जिसके अंदर क्या होना चाहिए, चॉकलेट्स होनी चाहिए, नहीं होता, हमारे अंदर की फीलिंग्स होती है, ठीक है। तो वही बात है, प्लेसेस में ये सब आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी प्लेस के अंदर आता है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं नाउन्स के टाइप। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि नाउन के कितने बच्चे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाउन के दो बच्चे हैं, पहला कौन है, कॉमन नेम, कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो जो कॉमन नाउन होता है उसमें क्या है, हमें एक ही शब्द से पूरी जाति का पता चल जाता है। अब ये जाति शब्द आया, मेरे को समझ नहीं आया मैम, तो देखो मैंने कहा पेंसिल, ठीक है, तो ये जो पेंसिल है इससे हमें पूरी जाति का भेद हो गया है, पता चल चुका है। हमें एक स्पेसिफिक नेम निकालना कि इसकी नटराज की पेंसिल, कि डोम्स की पेंसिल, हमें एक स्पेसिफिक नेम नहीं कहा, ठीक है, पार्टिकुलर नेम नहीं है ये। तो जो हमारी पेंसिल हुई वो क्या हुआ, एक कॉमन नेम हुआ, ठीक है, क्या हुआ, कॉमन नेम, एक ऐसा शब्द। अब जो ये पेंसिल था उसने एक कॉमन नेम, कॉमन नाउन का काम किया है, क्या किया है, कॉमन नाउन का। इसने ये नहीं बताया कि मैं डोम्स की पेंसिल हूँ, मैं किसकी डोम्स की पेंसिल हूँ, नटराज की पेंसिल हूँ, नहीं बताया ना, तो क्या हुआ, वो कॉमन नाउन हुआ। प्रॉपर नाउन जो एक वर्ड से, एक शब्द से हम बस अपनी ही बारे में बताती है, ठीक है, एक पार्टिकुलर नेम होते हैं जिससे सिर्फ उसके खुद के बारे में पता चलता है। जैसे मैंने कहा पेंसिल में नटराज पेंसिल, डोम्स पेंसिल, तो उससे सिर्फ डोम्स की पेंसिल का ही भेद पता चला हमें, ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन हुआ। तो चलो दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि है रिवर, नदी, तो इससे मुझे ये थोड़ा पता चला है कि वो नदी कौन सी है, वो यमुना भी हो सकती है, वो गंगा भी हो सकती है, वो कोई भी नदी हो सकती है, कावेरी भी हो सकती है, ठीक है, तो कोई भी रिवर हो सकती है वो, हमने ये नहीं पता चला है हमें इससे कि वो रिवर कौन सी है, कि वो गंगा है, कि वो यमुना है। तो अगर मैं उसे कहूँ कि गंगा रिवर, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला,
सिर्फ गंगा के बारे में ना कि गंगा रिवर है, तो वो एक क्या हुआ, प्रॉपर नेम हुआ। रिवर तो सिर्फ कॉमन नाउन हुआ, बट जो हमारा वो है गंगा प्रॉपर नाउन हुआ। ठीक है, तो एक बार यहाँ देखिए क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, कॉमन नाउन। तो यहाँ देखिए कॉमन नाउन क्या कह रखा है, इट रेफर्स टू अ पीपल प्लेस और थिंग्स इन जनरल एंड नॉट द नेम ऑफ सम पर्सन और प्लेस। इसने कहा कि हमें पीपल थिंग्स और प्लेस के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा स्टेट, ठीक है, स्टेट मीन्स राज्य है। अब मैंने ये स्पेसिफिक नेम नहीं बताया कि वो राज्य कौन सा है, वो राज्य उत्तराखंड भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, हरियाणा भी हो सकता है, मध्य प्रदेश भी हो सकता है, हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है, ये थोड़ा ना बताया कि वो स्टेट कौन सा है। पर यहाँ पर कॉमन नाउन में क्या होता है, हमें सिर्फ एक नेम दे दिया जाता है जिससे कि पूरी जाति का भेद हो गया। अब मैंने स्टेट कहा था, इससे उन स्टेट के अंदर 28 राज्य के नाम आ गए, तो इससे क्या पता चला, हमारे अंदर जाति का भेद हो गया ना, क्या राज्य की जाति का पता चल गया कि हाँ 28 राज्य की बात हो रही है। मैंने कोई स्पेसिफिक नेम नहीं कहा, भी पार्टिकुलर नेम नहीं है ये, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू अ पीपल प्लेस और थिंग इन जर्नल, एक जर्नली में कह देता है, बट ये कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। कार कह दिया, ठीक है, एग्जांपल देखिए, कार है, कौन सी कार, इको, बीएमडब्ल्यू, मारुति, नहीं बताया ना। तो बात ये क्या हुई, कॉमन नेम, कॉमन नेम में सिर्फ कार का है। अब वो कार बीएमडब्ल्यू भी हो सकती है, इको भी हो सकती है, मारुति भी हो सकती है, सिजुका भी हो सकती है। आया वाटर, अब वाटर में हमें थोड़ा पता है कि प्योर वाटर है, रेक्टिफाइड वाटर है, इम्प्योर वाटर है, बॉइल्ड वाटर है, कौन सा वाटर नहीं बताया ना। तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। रिवर, रिवर का एग्जांपल मैंने लिया था ना, क्या इसने बताया रिवर का, यमुना है, गंगा है, कौन सी रिवर है, ठीक है। माउंटेन, माउंटेन में क्या किसने बताया कि कौन सा माउंटेन है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट क्या है, नहीं बताया हमें कौन सा माउंटेन है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, कॉमन नाउन, जिससे हमें सभी माउंटेन का भेद हो गया कि ये जो सभी माउंटेन है, इसने कोई स्पेसिफिक या पार्टिकुलर नेम नहीं बताया कि माउंटेन कौन सा है। गर्ल, अब गर्ल आता है, सुधा, सुधा सारिका, कनिष्का, यश्विनी, ये जो सभी नाम हुए ये क्या गर्ल में आते हैं। कोई इसने स्पेसिफिक या पार्टिकुलर नेम बताया हमें कि मैंने सुधा को गर्ल कहा है, यश्विनी को गर्ल कहा है, कनिष्का को, सारी को, इन्हें गर्ल कहा, नहीं ना। तो देखिए अब यहाँ पर पेंसिल, मैंने पेंसिल का एग्जांपल लिया था, बताया था कि कौन सी पेंसिल नटराज की है, डोम्स की है, कौन सी, नहीं बताया ना। तो ये कॉमन नाउन के अंदर आया। देन आते हैं प्रॉपर नाउन के अंदर, प्रॉपर नाउन देखिए, इट रेफर्स अ पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बताता है, प्लेस के, थिंग्स के बारे में। तो ये जो नाउन के दो बच्चे हैं, इनका बिहेवियर बिल्कुल अलग है, ठीक है, एक अलग बिहेवियर का है, एक अलग बिहेवियर का है। तो जो प्रॉपर नाउन वो क्या बताता है, प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर पर्सन के बारे में, प्लेस, पर्सन मीन्स व्यक्ति, जगह, थिंग्स, वस्तु के बारे में हमें बताता है, एक विशेष व्यक्ति, वस्तु और जगह के बारे में बताता है। इट इज़ लाइकली टू बी अ पर्सनल नेम और टाइटल, क्या हो सकता है, एक पर्सनल नेम भी हो सकता है और टाइटल भी हो सकता है। ओके, जैसे कि मैंने कार ली थी, तो कार में बीएमडब्ल्यू कार है, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। सेकंड है प्योर वाटर, रेक्टिफाइड वाटर, बॉइल्ड वाटर, ये क्या हुए, प्रॉपर नाउन में आए। गंगा, गंगा रिवर है ना, यहाँ रिवर था, ये कॉमन नाउन के अंदर आया। यहाँ पर देखिए डिफरेंस भी पता चल रहा है इनमें कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए गंगा जो रिवर है, बता दिया ना, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन के अंदर आया। ब्रह्मगिरी जो माउंटेन है, वो ब्रह्मगिरी बता दिया, ठीक है। सुधा लड़की थी, यहाँ पर एक पार्टिकुलर नेम, पर्सनल नेम दे दिया, डोम्स पेंसिल, ठीक है। समझ गए आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये क्या था इनमें डिफरेंस था। कॉमन नाउन पूरी जाति का भेद करा देता है, ठीक है, बट और जो प्रॉपर नाउन होता है वो पूरी जाति का भेद नहीं, एक पार्टिकुलर, एक विशेष नाम का ही ज्ञात कराता है या भेद कराता है, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है, जो हमें एक ही शब्द से पूरी जाति का भेद करा दे, और जो प्रॉपर नाउन होता है सिर्फ एक ही वर्ड से एक ही चीज का भेद करवाए या बताए, जैसे कि
कार था, तो कार में क्या आया, ये कॉमन नाउन है। इससे हमें ये पता नहीं चला कि जो कार है वो इको है, बीएमडब्ल्यू है, मारुति है, नहीं पता चला ना, तो वो किस में आया, कॉमन नाउन में। प्रॉपर नाउन के अंदर मैंने लिया बीएमडब्ल्यू, तो जो कार थी पता तो दिया कौन सी कार है, बीएमडब्ल्यू, तो वो एक प्रॉपर नाउन में आ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कॉमन नाउन के कितने भेद होते हैं, क्योंकि ये जो दो भेद थे वो किसके थे, नाउन के, पर अब कॉमन नाउन के भी भेद होते हैं, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन के कितने प्रकार, भेद या फिर टाइप होते हैं। देखिए, कॉमन नाउन के थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है कंक्रीट नाउन, सेकंड होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और कंक्रीट नाउन। ये कंक्रीट नाउन क्या होगा, कंफ्यूज में, तो ये कंक्रीट नाउन को ही हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, कभी आप कहो कि ये कहाँ से आ गया, तो कंक्रीट नाउन को ही हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। आप तो समझ आ गया होगा कि मटेरियल नाउन क्या होता है। ठीक है, ओके, तो जो मटेरियल नाउन क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। देखिए, दे कैन बी डिटेक्टेड एंड फेल्ट विद आवर सेंस, फाइव सेंसेस। सो ये जो होते हैं मटेरियल नाउन, ये ऐसे नाउन होते हैं, ऐसे थिंग्स होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, अपने फाइव सेंसेस से डिटेक्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरे पास मार्कर है, मार्कर के अंदर स्मेल हुई तो मैं उसे क्या कर सकती हूँ, स्मेल भी कर सकती हूँ। अगर मैंने इसे टच भी कर रखा है, ठीक है, दो सेंस कंप्लीट हो गए, मैं इसे देख भी सकती हूँ, क्या मैं इसे देख भी सकती हूँ, अगर इसके अंदर आवाज़ होती तो मैं इसे सुन भी सकती थी। ठीक है, जैसे ही गिर जाएगा नीचे तो मैं इसे सुन सकती हूँ ना, इसकी जो आवाज़, इसकी जो साउंड प्रोड्यूस होगी, वही बात है। अगर इसके अंदर टेस्ट होता मैं इसे टेस्ट भी कर सकती थी। फॉर एग्जाम्पल फूड को इसमें हम फाइव सेंसेस से क्या कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और स्किन, मतलब त्वचा। ठीक है, तो ये जो फाइव सेंसेस होते हैं इनसे हम क्या कर सकते हैं, जिस भी वस्तु को, जिस भी थिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंक्रीट नाउन या फिर मटेरियल नाउन। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेन, मार्कर, स्टैंड, फूड। पेन तो आपको पता है क्या होता है, मार्कर जो मेरे हाथ में है अभी, एंड स्टैंड मिट्टी, फूड मीन्स भोजन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू रेफर concepts, ideas, traits, experience that you cannot hear, smelt, tasted or touched. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको समझ आया कि नहीं आया, मुझे नहीं पता, पर मैं समझा रही हूँ। ठीक है, ऐसे क्या, मतलब ऐसे words जो क्या करते हैं, ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम ना टेस्ट कर सकते हैं, मतलब ये एकदम concrete noun का उल्टा है, जिसे ना हम टेस्ट कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं और ना ही स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्या आपका जो बचपन आकर गया, या फिर आप बचपन में क्या आप उसे क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, सुन सकते हो अपने बचपन को, नहीं ना। आपका बुढ़ापा आएगा, क्या उसे टेस्ट करोगे, नहीं कर सकते। ये सब जो चीज़ है इन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ट्रुथ सॉरी, जो ट्रुथ है उसे ना हम टेस्ट कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं। डेंजर या फिर चाइल्डहुड, ये सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। किसके पार्ट है, किसके बच्चे हैं, कॉमन नाउन के। ठीक है, अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। देखिए, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। तो ये क्या रेफर करता है, ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल्स का जो ग्रुप होता है, व्यक्ति का ग्रुप या फिर वस्तु के ग्रुप को, हमें मतलब समूह को बताता है। तो देखिए, जैसे फैमिली है, जब सभी मेंबर्स फैमिली के बैठे होते हैं, व्यक्ति बैठे होते हैं, तो उन्हें हम फैमिली कह देते हैं। क्लास में जब सभी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, मतलब क्लास की बता रही हूँ, जैसे सभी स्टूडेंट्स हैं तो उनका जो कमरा होता है उन्हें हम क्लास कह देते हैं, या फिर सभी स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट नहीं, यहाँ स्कूल आएगा। ठीक है, स्कूल जो मतलब सभी क्लासेस को मिलाकर जो भी बनता है, वो जो नेम होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। समझ गए कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो भाई आज अब हमने ये पढ़ लिया कि जो कॉमन नाउन होते हैं इसके तीन बच्चे होते हैं, कौन कौन से, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, बहुत ईजी वीडियो लगी होगी आपको, सच में बहुत ईजी टॉपिक है ये, मतलब मैं
आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।